हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटलिस्ट डीआईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी का जो रिजल्ट आया उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। काफ़ी स्टूडेंट ही कन्फ्यूज हैं कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी, किस कितनी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ रीज़न भी बताएंगे क्यों इतनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो देखिए, जिन किस कैटेगरी में ज़्यादा संभावना वेटिंग क्लियर होने की, दोस्तों जनरल ओबीसी में बहुत संभावनाएं वेटिंग क्लियर होने की। क्योंकि क्या रहता है, इन इस कैटेगरी की जो ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा मतलब बड़ी जॉब की तैयारी करते रहते हैं, इनके और भी एग्जाम निकलते रहते हैं, तो ये इसीलिए ये जॉब छोड़ देते हैं। मतलब देखो, आजकल बेरोजगारी बहुत है, तो मैं ये प्रॉपर नहीं बोल रहा कि सभी मतलब छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे एमपीपीएससी का, आईएएस का। बहुत से स्टूडेंट हैं, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने एमपीपीएससी, आईएएस मतलब प्री मेंस भी क्वालिफाई हैं, इंटरव्यू से भी मतलब वापस आए हैं, तो वो स्टूडेंट ये बहुत मतलब कम कर पाए, करेंगे तो 6 महीने तो उनकी वेटिंग क्लियर ही हो जाएगी। तो लगभग इसमें 25% जो टोटल सीट है ना, उसका 25% सीट क्लियर होने की काफ़ी संभावना है। और थोड़ा मैं ये नहीं कहता कि जनरल में सभी गरीब होते हैं, लेकिन सभी अमीर होते हैं, लेकिन लगभग 60-70% तो ठीक ठाक ही स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर की फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मतलब सीट क्लियर हो सकती है, 25% सीट। मैं ऐसे लोगों को बहुत को जानता हूँ जो जिनकी मतलब वेटिंग क्लियर हुई है एक एक साल बाद। तो लगभग जैसे मान लीजिए 100 सीट थी जनरल की, तो उसमें लगभग जिनकी 25 वेटिंग है तो उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इकोनॉमी स्थिति मजबूत, ठीक है, और दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट होने के कारण। लेकिन यहाँ पे एक रीजन और भी है। क्या रहता है, जैसे जो स्टूडेंट प्रॉपर इसी के लिए थे, जिनका एसआई भी निकला है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एसआई ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, ये भी 2 साल तक परमानेंट आप वैसे तो परमानेंट है, लेकिन मान नहीं सकते, क्योंकि इसमें सीपीसीटी होगा ना, 2 साल में के अंदर आपको सीपीसीटी क्लियर करना है, उसमें टाइपिंग स्पीड है, तो वो बहुत बड़ा बाधा है। तो ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट रहते हैं वो इसको छोड़ सकते हैं, एसआई को चुन सकते हैं, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, अब इन कैटेगरी में बहुत कम संभावना है। जैसे SC ST, इसमें क्या रहता है, आपको ज़्यादातर हमारे देश में क्या है, जो गरीब लोग हैं ना, पूरे तो नहीं लेकिन लगभग 50-60% गरीब इन दो दो कैटेगरियों से ही ज़्यादातर रहते हैं। इनकी मतलब 50-60% पॉपुलेशन गरीबी रहती है। कुछ आजकल मतलब फ़ायदा ले लेकर पैसे वाले भी हो गए, तो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो ये ज़्यादातर आपने देखा वो छोटी जॉब में एक सर्वे आया था, लगभग जो ये ग्रुप C ग्रुप D की जॉब, उसमें 75% SC ST OBC है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बार जिस जॉब पे आ गए तो वो उसको नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इन आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर रहती है। तो इसमें भी संभावना है, फिर भी 15% वेटिंग तक क्लियर हो सकती है 100 सीटों पर, मतलब ठीक है टोटल सीट का। जैसे 100 सीट थी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो लगभग 15 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा। ठीक है, तो अब जो एक्स सर्विसमैन या कुछ लोग सीपी क्या है, कुछ लोग एक्स सर्विस में, कुछ लोग सीपीसीटी से डरे हुए। सीपीसीटी अभी लगभग एक साल में 2-3 बार होता है, तो वो आप यदि आप आपकी वेटिंग है, तो आप, मैं ये सुझाव दूंगा, आप सीपीसीटी की तैयारी करें और टाइपिंग की जो भी ये कोचिंग वगैरह लगा लें, आप उसको क्लियर कर लें, आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। मैंने जितना बताया उतने तक अभी मतलब कम लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस क्या है, कुछ लोग स्टूडेंट इंतजार करते रहते हैं। मेरे भी एक सारे में जानता हूँ जिनका मतलब ये ARI में हुआ है, इंदौर में नगर निगम में, तो वो भी कंफ्यूज है, उनका हो गया है ST से, लेकिन तो वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उन्हें डर है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी अच्छी जॉब है ये और वो परमान 2 साल तक यदि मैं CPCT नहीं निकाल पाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी जॉब से रह जाऊं। तो कुछ लोग नहीं, मुश्किल ज्वाइन करेंगे, मतलब काफ़ी लोग जिनके पास नहीं है वही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ रीजन बताए हैं, तो इतनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।